जैसा कि हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर डिमांड मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग को विद द कस्टमर विद मार्केट प्लेस फॉर एग्जांपल डिमांड मैनेजमेंट फोरकास्ट डिमांड की uh, करता है टू सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लान एंड मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ये जो फोरकास्ट है ये आती है फ्रॉम मार्केट प्लेस और उस डिमांड मैनेज उसको लिंक करता है इनको आ, जो इंफॉर्मेशन प्लान जो ये बनते हैं ये बेसिकली डीआरपी की से जो इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट शिपिंग रिक्वायरमेंट एज वेल एज द डिमांड ऑफ द कस्टमर उसके बेसिस के ऊपर ये फिर लॉजिस्टिक्स के लिए आसानी होती है मटीरियल uh, फ्लो को मैनेज करना क्योंकि ये uh, जो डिलीवरी है मटीरियल uh, की ये लॉजिस्टिक्स वालों के काम है लॉजिस्टिक्स इसको हैंडल करता है लॉजिस्टिक्स uh, के अंदर uh, जो बेसिकली एक्टिविटीज हैं उसके अंदर ट्रक की कैपेसिटी है वो करना वेयरहाउस की कैपेसिटी प्लान करना शिपमेंट डिस्पैचिंग करना और रिसीविंग एट द वेयर हाउस वो एक्टिविटीज परफॉर्म करना है तो इसके अंदर फिर लॉजिस्टिक्स वालों को इसमें आ, सपोर्ट मिलती है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग आ, की इंफॉर्मेशन की, की वजह से जो प्लान डेवलप होते हैं आ, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है आ, वो कंटिन्यूसली हो रही होती है इन बेसिकली डिमांड चेंजेस की वजह सेंट्रल वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर मटेरियल फ्लो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी उधर जरूरत है वो फ्लो करना ये सारा काम डीआरपी के थ्रू मैनेज किया जाता है डीआरपी लॉजिस्टिक सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है व्हीकल कैपेसिटी ट्रक की कैपेसिटी प्लान करनी लोडिंग क्या मटेरियल कब चाहिए तो उसके हिसाब से उसकी लोडिंग वगैरह होगी व्हीकल uh, की डिस्पैचिंग उसके अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह डिस्पैचिंग के पास वगैरह बनते हैं ये सब कुछ वो प्रिपेयर होगा और उस बेसिस के ऊपर uh, ये जो डीआरपी uh, है ये लॉजिस्टिक्स की हेल्प करेगी वेयरहाउस कैपेसिटी डिटरमिन करना कि ये वेयरहाउस uh, की जो कैपेसिटी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कितने uh, क्योंकि मार्केट को सप्लाई करना है और उसके बेसिस के ऊपर कितने आ, हम रेगुलरली उसको सप्लाई करेंगे तो कितना स्टॉक करना पड़ेगा वो तो ये सारी चीजें डीआरपी के जरिए ये लॉजिस्टिक्स वालों को सपोर्ट मिलती है इन in इंफॉर्मेशन फ्लो की वजह से वी कैन लुक एट दिस डायग्राम इसके अंदर वी कैन सी के डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग है विच इज इंटरैक्टिंग विद लॉजिस्टिक सिस्टम मॉड्यूल्स लॉजिस्टिक सिस्टम मॉड्यूल्स के हैं जैसे मैंने पहले बताया वहीकल कैपेसिटी प्लानिंग ये एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कौन सी वहीकल कहां फ्लो करेगी कहां जाएगी मटेरियल किस तरह फ्लो होगा उसके थ्रू ये प्लान करना होता है देन व्हीकल लोडिंग इज अनदर वन कि जब टाइम आ गया है तो उसको जो ट्रक है उसके अंदर मटेरियल लोड करना है उसके लिए सारा प्लान करना पड़ता है आ, लेबर वर्क फोर्स को आ, आ, प्लान करना पड़ता है देन व्हीकल डिस्पैचिंग इज अनदर वन उसके लिए जो भी गेट पास वगैरह पाकिस्तान के अंदर वी हैव गेट पास वो बनते हैं और उससे फिर जो आ, ड्राइवर है कैन टेक आउट द मटेरियल फ्रॉम द प्लांट और फिर जो वेयर हाउस जहां मटीरियल ने जाना है उधर जो उसकी अनलोडिंग वगैरह है उसका सारा प्लान वगैरह ये लॉजिस्टिक्स के सिस्टम मॉड्यूल्स के हिस्सा होते हैं और ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग के थ्रू ये लॉजिस्टिक सिस्टम्स को प्रोवाइड की जाती है सो so दैट ये लॉजिस्टिक्स सिस्टम जो है ये एफिशेंटली अपना जॉब परफॉर्म कर सकें डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग Uh, जैसे हमने देखा था एम के साथ लिंक uh, किस तरह है तो वो डिमांड मैनेजमेंट के थ्रू मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलर के साथ उसका लिंक होता है और वो इन्फॉर्मेशन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलर को प्रोवाइड की जा रही होती है सो so दैट अगर उसमें कोई चेंजेस आने हैं एम पी वगैरह में तो उसके बेसिस के ऊपर uh, वो डिसीजन ले सके और ये जो प्लान है शेड्यूल है प्रोडक्शन का उसको अगर चेंज करना हो तो चेंज कर लें